चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां विधानसभा में आज नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी पर लगे सट्टे के आरोपों को लेकर फिर हंगामा हुआ। पहले प्रश्नकाल और फिर शून्यकाल में इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस सचेतक गोविंद डोटासरा ने डूडी पर लगाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देने की मांग रखी। करीब 8 मिनट इसको लेकर विपक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे, साथ ही विपक्ष के विधायक वेल में आकर फिर से नारेबाजी करने लगे। इस पर स्पीकर कैलाश मेघवाल ने शून्यकाल में डूडी को सफाई देने की व्यवस्था की। डूडी ने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने मुझ पर व्यक्तिगत लांछन लगाकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। डूडी ने कहा कि सत्ता पक्ष जनहित के मुद्दे से बचना चाहता है, इसीलिए जानबूझकर इस मसले पर कार्यवाही बाधित की। इसी बीच स्पीकर ने डूडी से मुद्दे पर बोलने की बात कही। स्पीकर के ऐसा कहते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा मचाने लगे। वहीं बाद में स्पीकर ने डूडी को स्पष्टीकरण नहीं देने की बात कही। इस पर विपक्ष के सदस्य वेल में आकर हंगामा मचाने लगे। इस दौरान स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को लेकर जमकर टिप्पणी करते हुए उन्हें लोकतंत्र का दुश्मन बता दिया। हंगामे के कारण विधानसभा की कार्यवाही को आधे घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था। माननीय नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाए, पूरे दिन सदन को चलने नहीं दिया, सदन में कोई बात जो प्रदेश की जनता के हित की थी उसको रखने नहीं दिया, और आज जब अध्यक्ष महोदय ने हमें प्रश्नकाल में ये कहा कि नेता महोदय को 12 बजे बोलने दूंगा, तो हमने उनकी बात को स्वीकार किया। पूरा प्रश्नकाल आराम से चला। जब 12:01 पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष को अपनी ऊपर लगे हुए आरोपों के स्पष्टीकरण देने का जब समय दिया, वो बोल रहे थे, उससे बीच बीच में संसदीय कार्य मंत्री और सत्ता पक्ष के मंत्री और विधायक उनको बाधित कर रहे थे। अचानक माननीय अध्यक्ष महोदय ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने से अंकित नहीं होगा बोला हुआ ये कर दिया, और ऐसे हालात उत्पन्न कर दिए कि ये सदन चले ही नहीं। हम माननीय जो नेता है सदन की, उनको जब तक हमारे नेता प्रतिपक्ष का जवाब अंकित नहीं हो जाता रिकॉर्ड के ऊपर, तब तक नहीं बोलने देंगे, नहीं बोलने देंगे, सदन में भी बाधित करेंगे और सड़कों पे जनता को भी आकर के बताएंगे।